कांदिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर के पेपर ले लिया है, और चाहिए हमें कैंची, काटर और पेंसिल चाहिए, रूलर चाहिए और ग्लू चाहिए। यहाँ पे मैंने A4 साइज का पेपर ले लिया है और 1 इंच ऐसे नाप ले लेंगे और एक लाइन खींच लेना है। तो ऊपर से 1 इंच और नीचे से 1 इंच दोनों लाइन खींच लेना है पहले, और फिर आधा इंच के दूरी दूरी पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। ऐसे पूरे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे रूलर रख के हर आधा इंच में एक एक ऐसे डॉट लगा देना है और ऐसे लाइन खींच लेना है। आप चाहे तो हर आधा इंच में ऐसे डॉट लगा के और एकदम सीधा कटर से भी इसे कट कर सकते हैं, पर मैं ये वुड का जो टेबल है ये खराब हो जाएगा, तो मैं इसको पहले लाइंस खींच के और फिर मैं इसको कट कर लूंगी। और अभी मैं हर एक लाइन में थोड़ा सा कट लगा दूंगी ऐसे कटर से, और बाकी का ऐसे मैं कैंची से काट दूंगी। तो पूरे में मैंने ऐसे काट लगा दिया है। अभी इसको साइड में रख के और मैंने एक A4 साइज का पेपर ले लिया है, और इसका भी दोनों साइड से 1 इंच का ऐसे नाप लेके और लाइन खींच लेना है। और अभी जो लाइन खींचा है इसमें ग्लू लगा दूंगी। और ये जो कट किया हुआ पेपर है इसको 1 इंच ऊपर से छोड़ के लगाना है। इसको ऐसे सेट कर देना है और फिर ऊपर से 1 इंच छोड़ के ऐसे सेट कर देना है। तो जोड़ने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। मैंने ग्रीन कलर का A4 साइज का पेपर ले लिया है और इसे पहले ऐसे फोल्ड करना है, फिर ऐसे फोल्ड करना है और फिर ऐसे फोल्ड करना है, और एक फोल्ड लगा दूंगी इसमें। और अभी ऐसे थोड़ा सा नाप ले लेना है, ये इस तरफ से 2 इंच और इस तरफ से 2 इंच करके इसको स्क्वायर में बिल्कुल कट कर लेना है। और एक एक स्क्वायर पेपर ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा के और इसको ऐसे सेट कर देना है। तो अब ऐसे कुछ ग्रीन कलर से पहले बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कलर से ये बना लिया है, और मैंने एक ग्रीन पेपर से ये सारे बना लिया है और एक येलो पेपर से ये सारे बना लिया है, और दोनों ही A4 साइज का पेपर था। इस पेपर में ग्लू लगा के इसको पहले सेट कर देना है। इसको ऐसे मोड़ के और ऐसे सेट कर देना है। एक स्ट्रिप मैंने बीच में से कट कर दिया है और ऐसे इसको जोड़ देना है। और अभी इनको सेट करने के लिए ऐसे ग्लू लगा के
और सेट कर देंगे। एक ग्रीन एक येलो ऐसे करके इसको सेट करेंगे। तो ये मैंने सारे सेट कर दिया है ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में भी ऐसे ही सेम सेट करना है। तो ये दोनों साइड में ही मैंने लगा दिया है। अभी एक पिंक पेपर से एक पतला सा स्ट्रिप्स काट लूंगी। कामदिल को बनाने के लिए मुझे टोटल A4 साइज के 5 पेपर्स की जरूरत पड़े हैं। कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि कितने सारे पेपर लगे हैं, तो मैंने पहले से इसीलिए बता दिया। और आज के वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आते हैं उसे प्रेस कीजिएगा, तो मैं जो न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।